हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और जैसा कि टाइम हो रहा है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। बस पानी वानी पिया है और अब मैं कुछ काम करने वाली हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली हमने कुछ पौधे लगा रखे थे शिमला मिर्च के, तो मैं उनको पानी देने वाली हूँ। मैंने सोचा सुबह सुबह आज पहले यही काम कर लूँ, उसके बाद आगे क्या करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। गाइस ये देखिए, ये हैं शिमला मिर्च के पौधे, अभी कुछ दिन पहले लगाए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है ना, इस वजह से ये थोड़ा पीले पीले से पड़ रहे हैं। जो काम बारिश करती है वो ऐसे पानी से कम ही होता है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं, हो जाएंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर बंदर बंदर रहने दें तो। गाइस मैं दे चुकी हूँ शिमला मिर्च के पौधों को पानी, और अब उधर लगा रखे हैं मिर्ची के पेड़, तो उनको भी पानी देना है। गाइज़ ये है मिर्ची के पौधे, कुछ को मैं पानी दे चुकी हूँ, इनको दोनों टाइम देती हूँ पानी, सुबह भी और शाम भी, तभी थोड़ा मिर्ची लगेगी। तो गाइस सारी मिर्ची को पानी दे दिया है, ये सारे मिर्ची के पौधे हैं। और ये देखिए, ये छोटे छोटे ककड़ी की बेल हो चुकी हैं। ये हमारे घर के पास वाली क्यारी है, कोई ऐसा बड़ा खेत नहीं है, इसमें हमने हल्का फुल्का ही बस कुछ बो दिया है, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये देखो बेबी प्लांट है सारे, ककड़ी के, कद्दू के, सब हो तो चुके हैं, ये थोड़ा और ग्रो कर चुके हैं, थोड़ा बड़े हो चुके हैं। और ये है पेठे की बेल, जिसकी कि पेठा मिठाई बनती है और बढ़िया बनती हैं, तो ये बेल तो फैल रही है। अब इस पर कितने पेठे लगेंगे वो बाद में पता चल जाएगा। और वो हैं बीन्स के बीच में टमाटर की बेल भी, पेड़ भी हो रहे हैं, अभी टमाटर लगे नहीं हैं। उधर हैं कुछ पेड़, उन पर तो छोटे छोटे से टमाटर भी लगने लग गए हैं, वो कद्दू की बेल फैल रही है। तो ये मैं आपको एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके सुबह सुबह का कुछ मैंने कहा अपने लगाए पौधे ही दिखा दूँ आप लोगों को आज के ब्लॉग में। ये सारा हमारा नीचे हमारे खेत है, सब नीचे, वो खेत भी हमारा है, आगे जितने भी ये पेड़ हैं, ये अखरोट का पेड़ भी हमारा है। एक बार इस पर बहुत अखरोट आते थे एक टाइम में, जब हम छोटे छोटे थे तो इस पर बहुत अखरोट खाए हमने इस पेड़ के, लेकिन अब ये पेड़ बूढ़ा भी हो चुका है और इस पर अखरोट कम आने लगे हैं, और जितने आते भी हैं उनको बंदर बर्बाद कर देते हैं। एक वो भी पेड़ है हमारा, देखिए बंदर आने शुरू हो गए हैं सुबह ही, मैं आपसे कह रही थी ना बंदर बहुत परेशान करते हैं। ऊपर छत पे भी आ चुका है दूसरा, बस अब ये सुबह से आ चुके हैं, अब इनका यही काम है, यहीं रहेंगे ये। गाइज़ ये लकड़ियाँ सर्दियों के लिए इकट्ठी कर रखी हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो ये लकड़ियाँ हमने कटवा के ऐसे रख दी हैं ताकि ये सूखती भी रहें और सर्दी पड़ते ही फिर ये जलाने के काम आती हैं। फ्रेंड्स पौधों को पानी देने का काम हो चुका है ख़त्म, और अब मुझे एक और काम करना है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यहाँ आई हुई हूँ, लेकिन मैं अपना धारा देखने नहीं गई, पानी का धारा, क्योंकि पहले हम जाते रहते थे वहाँ पे, तो मुझे जाना है जो धारा देखने, पानी लेकर के आऊँगी। और आप आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं अपने पानी के धारे पे, वो आ रहा है डायरेक्ट स्रोत का पानी, और एकदम ठंडा, जो कि गर्मी के मौसम में हो जाता है बहुत ठंडा,
फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सर्दियों में हो जाता है एकदम गुनगुना। तो ये है हमारे स्रोत के पानी की खासियत, आपको थोड़ा पास ले जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है नेचुरल तरीके का पानी जो मतलब कुदरती है। और जब हम छोटे से थे, एकदम बचपन से लेकर आज तक, ये पानी एज इट इज़ वैसा ही है, जैसा पहले आता था वैसे ही अब भी आता है। और बाकी तो कई सारी योजनाएं आती हैं, किसी दिन मिलता है किसी दिन नहीं मिलता है, लेकिन ये पानी ऐसा है कि आप 24 घंटे ये पानी अवेलेबल रहेगा। आप जब आ जाओ यहाँ पे, ये पानी आपको तब मिल जाएगा। पानी आता कैसे है? ये पानी आता है स्रोतों, मतलब पेड़ों की जड़ों से। ये जो ऊपर आप जंगल देख रहे हैं, ये पूरा बांज का जंगल है। तो ये क्या होता है, बरसात में बांज का पेड़ जो होता है वो पानी को अपने अंदर अपनी जड़ों में सोख लेता है और फिर ये स्रोतों से निकल के ये पानी आता है एकदम ठंडा सा और साफ। इसको ना फिल्टर की ज़रूरत है ना कुछ, नेचुरल। ये है मेरी गगरी जिसको कि मैं पानी भरने के लिए लेके आई हूँ। ये तांबे की बनी हुई है और उत्तराखंड में हर घरों में ये गगरी मिल जाएगी। ये कुछ लोग अपने आप से अपने घर के लिए ख़रीद लेते हैं और शादियों में हमारे यहाँ पे दुल्हन को ये गगरी देते ही देते हैं। जब शादी होती है तो दुल्हन को और कुछ दो या ना दो, एक गगरी उसके पास उसके साथ ज़रूर जाती है। तो मैं इस गगरी में पानी लेके जाऊँगी और ये थोड़ा गंदी हो रही है तो मैं इसको मांज रही हूँ फ़िलहाल। भर चुकी है मेरी, और ये मेरी दीदी की बेटी किट्टू है। तो आज हम दोनों आए हुए हैं पानी लेने के लिए। किट्टू भी कुछ ही दिन पहले आई हुई है दिल्ली से, इसके एग्जाम खत्म हो गए थे तो ये आ गई है छुट्टियां मनाने गाँव। तो मैंने इसे कहा चलो आज पानी लेने चलते हैं साथ में। ये मेरी गगरी भर चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बताया, तांबे के बर्तन का पानी वैसे ही बहुत ही अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। आजकल लोग क्या करते हैं कि तांबे के फ़िल्टर यूज़ करने लग गए हैं, और तांबे के जो स्टील के जग आते थे अब वो तांबे के भी आने लग गए हैं, तो लोग मार्केट से तांबे के जग खरीद लेते हैं। तो जब हमें इनका इतना फ़ायदा होता है, हमारे शरीर को इतना, स्वास्थ्य को इतना लाभ मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब हम तो इसमें रोज़ ही भरते हैं पानी, तो मैंने सोचा आज मैं डायरेक्ट इसी से लेकर के आऊँगी। तो अब मैं इसको रखती हूँ सर पे और फिर हम जाएंगे घर की तरफ। वैसे तो ये किसी और चीज़ से बनता है, अभी मेरे पास था नहीं, मुझे मिला नहीं, तो मैं अपने दुपट्टे को इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रखा सर पे, इसके ऊपर आएगी अब गगरी। तो गाइस देखो मैं कैसे पानी ला रही हूँ आज। शादी से पहले तो बहुत बार लाई हूँ, लेकिन शादी के बाद शायद आज ही ला रही हूँ गगरी से। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। गगरी लेके चली तो गई पानी लेने, लेकिन वाकई में मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर में दर्द हो गया है। लेकिन मुझे अच्छा लगा पुरानी यादें ताज़ा करके। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।